पिपरिया नगर के पचमढ़ी रोड स्थित शासकीय कन्या शाला में इन दोनों बंदरों ने जमकर उत्पात मचा रखा है, जिसके चलते यहां पढ़ने लिखने वाली छात्राओं का और स्कूल में पढ़ाने वाली टीचरों का पढ़ाना तक मुश्किल हो रहा है। आए दिन बंदर इन बच्चों और मैडमों पर हमला कर देते हैं। बंदरों के आतंक का आलम तो यह है कि स्कूल की आधी छुट्टी में भी बच्चे स्कूल के बाहर मैदान में नहीं खेल पाते हैं। यह स्कूल कक्षा पहली से आठवीं तक लगता है, जिसमें पढ़ने वाली छात्राओं को बंदरों के डर के साए में पढ़ना पड़ रहा है। जरा आप भी इन नौनिहालों की जवानी सुनिए, बंदर कैसे हमला कर देते हैं। माँ यह बार क्या हो गया था बेटा? वो हम बाहर खड़े थे, वो हमारे ऊपर झूमा तो हम अंदर आ गए, वो भी अंदर आ गए थे बंदर, फिर हम अंदर कूड़े रहे थे, बहुत घबरा गए थे, सब रोने लगे थे। बंदर अंदर अंदर आ जाते हैं क्या? हाँ। तो खाना वाना पर कहाँ खाते बेटा आप लोग? अंदर। बंदरों के स्कूल में आतंक मचाने की शिकायत स्कूल में कार्यरत मैडमों और बच्चों ने तहसीलदार के नाम लिखित ज्ञापन के माध्यम से बीआरसी प्रदीप शर्मा को की। मामले पर तहसीलदार राजीव कहार का कहना है कि मैंने पूरे मामले को लेकर वन विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए अवगत करा दिया है। कि कल कन्या स्कूल की दो शिक्षिकाएं और उनके साथ कुछ बच्चियां यहां एक ज्ञापन लेके आई थी, जिसमें बंदरों को आतंक से परेशान होने की बात कही गई थी। वो ज्ञापन मूलतः वन विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है और मेरे द्वारा रेंज ऑफिसर से इस संबंध में व्यक्ति से बात की गई है। रेंज ऑफिसर द्वारा मुझे आश्वस्त कराया गया है कि कल से रेस्क्यू टीम लगा दी जाएगी और कोई आवश्यक उपचार उसका करा दिया जाएगा। सर, रेंजरों की अगर बात की जाए तो सर शिक्षकों ने पहले भी रेंजरों को इस संदर्भ में ज्ञापन दिया था, उनका कहना है कि उन्होंने लिखित जो दिया है वन विभाग की ओर से कि 1500 रुपए पर बंदर के पकड़ने के लिए लगते हैं, तो वो रेस्क्यू करने का जो भार है वो पूरा शिक्षकों के ऊपर थोपने की बात आ रही है। इस संदर्भ में आपको कोई जानकारी है क्या? नहीं, इस संबंध में मेरे को कोई जानकारी नहीं है और अभी मैंने रेंज ऑफिसर से भी बात किया था तो उसने भी इस प्रकार की कोई बात नहीं बताई है। फिलहाल मैंने उनसे बात किया था तो उनका क्या है ना ये पढ़ा कि रेस्क्यू टीम जिला स्तर पर है, उस रेस्क्यू टीम को कल हम बुलाएंगे और कल से यहाँ रेस्क्यू के लिए लगा देंगे। बंदरों के स्कूल में आतंक मचाने के मामले को लेकर जैसे ही हम वन विभाग का पक्ष जानने उनके कार्यालय पहुँचे तो वहाँ पर हमें कोई भी वरिष्ठ अधिकारी नहीं मिला। बंदरों के आतंक का आलम तो यह है कि अगर इनको डराने के लिए कोई लकड़ी तक उठाता है तो यह बंदर समूह में एकत्रित होकर उस पर हमला कर देते हैं। स्कूल की एक मैडम अनिता शर्मा पर इन्होंने पूर्व में हमला कर दिया था, जिसके चलते उन्हें एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने पड़े थे। मेरे नाखून बिगड़े हैं, तो इंजेक्शन भी लग रहा है मुझे, खून वगैरह आ गया था उसमें। कैसे झूम गए? बस हमारा छुट्टी करना हुआ और ऐसा निकलना हुआ, बस यहाँ से निकले और वहाँ से वो दौड़ते आ रहे थे, वो बस वो मेरी बेटी भी थी साथ में लेने आई थी मेरे को, उसको झूम गए, मेरे को झूम गए, दो तीन लड़कियों के ऊपर झूम गए। कितने बंदर? अरे वो तो सर वो तो ऐसी आवाज में बुलाते हैं कि पूरे इकट्ठे हो जाते हैं 50 साल और वो अपनी आवाज में जरा कुछ। पिपरिया से सुशील पटवा की रिपोर्ट।